अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों? बहुत ही बुरी खबर है इस वक्त, और कल से शादी हाल बंद हो रहे हैं भाई, कल से बंद हो रहे हैं। ये देखो जो कि फ्री के लोग हैं, ये आते हैं खाना खाने, और देखो ये कल से ये भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि कल से शादी हाल ही बंद हो रहे हैं, तो ये कैसे माशाल्लाह खाएंगे? घर में रोज फिश पकती है क्या भाई? घर में फिश वगैरह नहीं पकती, तो ये अपना हमारा दोस्त है, ये देख लें, ये रोज़ फिश खाने आते हैं यहाँ पे, और लेकिन कल से इनको फिश सालन चिकन वगैरह नसीब नहीं होगा। हम तो खाते रहते हैं हसन भाई, आप तो खाते हम तो खाते रहते हैं माशाल्लाह, हम खाते रहते हैं, और अशरफ भाई भी खाते रहे, फिश खा रहा है, देखो ये फिश खाने आता है, ये फिश खा रहा है और ये इंजॉय कर रहा है। बेटा कल से फिश नहीं मिलेगी, हाँ कल से क्या करोगे, कल से क्या करोगे? तो बेटा घर पे फिश और बोतलें ये चीज़ें तो नहीं होंगी ना, कुर्बानी हुई है कौन सी? फैजान भाई कल से मैं दुख में हूँ कि कल से आपको कुछ खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना फिश मिलेगी जिसे ये मज़े से तोड़ रहे हैं, कल आप क्या करोगे? हमारी भी ख्वाहिश यही है कि कल प्रोग्राम हो, लेकिन कल अगर पाबंदी लग जाती है तो क्या होगा? अशरफ भाई का क्या होगा, अशरफ भाई का क्या होगा, हमारा क्या होगा, फैजान भाई का क्या होगा? और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे दोस्त खड़े हुए हैं, यहाँ पे परवेज बैठा हुआ, परवेज कल से हाल बंद हो रहे हैं, वैक्सीन लगवा लिए तुमने? तो भाई वैक्सीन भी लगवा लिए तो क्यों हाल बंद कर रहे हैं? पता नहीं क्या कहोगे हुकूमत को, तो भाई एहतजाज कर रहे हैं ये गार्ड भी, और देख रहे हैं सामने भी पार्टी आ चुकी है, वहाँ पे भी बारात वगैरह है, और यहाँ पे भी खाना वगैरह चल रहा है, और ये गाड़ियाँ वगैरह हमारी लगी हुई है पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कल से इंशाल्लाह शादी हाल का बोला गया है कि बंद होंगे, और यहाँ से अंदर हमारी पार्टी भी चल रही है, पार्टी वगैरह चल रही है, और अंकल हाई कर रहे हैं आपको। अंकल क्या बोल रहे हैं, कल से हाल बंद हो रहे हैं? कल से हाल बंद हो रहे हैं तो क्या बोलोगे? कल से नहीं मिलेगा, गरीब आदमी करके दबाए, गरीब दबा दे, हुकूमत को क्या कहोगे? हुकूमत जिंदाबाद बंद कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्टी चल रही है, आज लास्ट प्रोग्राम है हमारा, और यहाँ पे फिश वगैरह भी आई हुई माशाल्लाह, और कल से हो सकता है कि हमें आलू ही खाने पड़ जाए, और मछलियाँ हमारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि कल से हो सकता है कि हमें आलू ही नसीब हों, और कल से हाल बंद हो रहे हैं बिल्कुल, जो है ना। अभी देखते हैं, अभी नोटिफिकेशन वगैरह आया नहीं है, क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से तो आ गया, लेकिन जो हाल एसोसिएशन है उसने अभी कोई रद्दअमल नहीं दिया, उन्होंने ये 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को कि 72 घंटे तक हमें बताएँ, हाल हम बंद नहीं करेंगे। और फैजान भाई 72 घंटे का टाइम है हुकूमत को, क्या बोलोगे आप? 72 घंटे को अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो बंदा अगला लाया, बंदा क्या लाया मिले आपका, अभी बाद में बताएंगे, अभी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये फैजान भाई हैं, ये हसन भाई हैं, मंसूर भाई कल से हाल बंद हो रहे हैं, क्या कहोगे? अभी यार ये क्या कर रहे हो तुम भाई, भाई ये देखो ये मरवाएंगे, और ये हमें खाना भी नहीं दिलाएंगे आप इसका। ओ भाई ठंडी फिश है यार, ये कौन खाएगा? अच्छा भाई खा रहा है फिश आज, चल ठंडी मज़ा नहीं है। चलो उसको भेज दो, लड़के को तो मैं बोलूँ ये आ गया, तो दोस्तों देखते हैं कल क्या होता है, अगर हाल बंद हो गए तो बंद हो जाएंगे, अगर खुले रहे तो देखते हैं क्या कंडीशन है। वैसे हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है, दुआ करें आप भी कि हाल खुल जाए और हाल बंद ना हो, क्योंकि हमारी भी रोजी लगी हुई है और सब लोग इस रोजी से वापस आए, पता नहीं लाखों लोग हैं, तो अल्लाह करे कि हाल बंद ना हो और ये कारवां चलता रहे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल मिला, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल इंशाल्लाह नई वीडियो में, और देखते हैं कल क्या कंडीशन होती है, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और ये देखो बेटा, अबे बेटा क्या आज आखिरी दिन है तो तुमने क्या बिल्कुल आज वो लत मारी हुई है? हाँ तो भाई ये आइसक्रीम तोड़ रहा है, इसको पक्का कंफर्म है कि कल से हाल बंद हो रहे हैं।
तो ये 3 दिन का खा रहा है, 3 दिन का। और वो गुब्बारे वाला भी खड़ा हुआ है बेचारा, कल से वो भी नहीं होगा। और देखेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे कल। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।